आज बपोरे 2:35 मिनिटे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर पर थशे चंद्रयान 3 नु प्रक्षेपण। चंद्रना दक्षिणी ध्रुव पर यान लैंड करनारो प्रथम देश बनी शके छे भारत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बेस्टल दिवस पर फ्रांस ना पाटनगर पेरिस में मुख्य अतिथि रूपे रहेशे उपस्थित। पीएम मोदी ने फ्रांस ना सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ नेशन ऑफ ऑनर्स थी कराया सम्मानित। आ सम्मान प्राप्त करनारा पीएम मोदी पहला भारतीय प्रधानमंत्री। फ्रांस ना प्रवासे गयेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पेरिस में भारतीय समुदाय ना लोको साथे करी बातचीत। कहूं जलवायु परिवर्तन थी लईने आतंकवाद जेवा पड़कारों ने पहुंची वळवाना मुद्दे समग्र विश्व ने राह बतावी रह्यु छे भारत। वर्तमान स्थिति में भारत और फ्रांस वच्चे वधु गाढ़ बन्या छे संबंधों। मणिपुर मामले यूरोपीय संसद द्वारा करवामां आवेला निवेदनों पर भारत नो जड़बातोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय गणाव्यो भारत नी आंतरिक बाबतों में हस्तक्षेप निम्न कक्षा की मानसिकता दर्शावे छे आवी हरकतो। मणिपुर में कायदो अने व्यवस्था जाळवा माटे लेवामां आवी रह्या छे योग्य पगला। दिल्ली में यमुना नदी में आवेला पूरनी जळसपाटी घटी परंतु सतत भयजनक स्तर करता ऊपर वही रह्यु छे पूरनु पाणी। दिल्ली में पूरनी स्थिति पर पीएम मोदी की सतत नजर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली ना उपराज्यपाल पास थी टेलिफोन द्वारा मेळवी माहिती। एलजी ने तमाम स्थिति में मदद नी साथे तमाम पगला लेवानी आपी खातरी। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में 16 जिला 71 तालुकाओं में वरस्यो वरसाद। नवसारी गणदेवी में सौथी वधु 4 इंच करता वरसाद। सीजन नो अत्यार सुधी नो वरसी चुक्यो छे 49.21% वरसाद। कच्छ झोन में सौथी वधु 112% वरसाद। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले सूरत मनपा सुडा अने मार्ग मकान विभाग रूपया 502.34 करोड़ जनहितलक्षी विविध प्रकल्पों कर्यु लोकार्पण अने खातमुहूर्त। अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित आउटडोर रिंग रोड अने तापी ब्रिज नो करावियो प्रारंभ। कारोबारना सप्ताहना छेल्ला दिवसना प्रारंभे ज शेर मार्केट में 150 पॉइंट उछाड़ो। निफ्टी 19,500 पॉइंट ने पार। आईटी जाहिर क्षेत्र की बैंको और रियाल्टी सेक्टर शेरों में लेवाली पगले सेंसेक्स 65,650 करता वधु पॉइंट पर ट्रेडिंग। અને રોહિત શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલની સદીની મદદથી ડોમિનિકા ટેસ્ટમાં વેસ્ટઇન્ડિઝ સામે ભારતની પકડ બની મજબૂત। બીજા દિવસની રમતના અંતે ભારતને 162 રનની સરસાઈ, સ્કોર 2 વિકેટ પર 312 રન।